भर्ती परीक्षा की तारीखों का हुआ ऐलान। अगले महीने होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। परीक्षा का आयोजन 23, 24, 25 और 30, 31 को होगी परीक्षा। नकल करने वालों के खिलाफ होगा सख्त कानून और नकल करने और करवाने पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना भी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तारीखों का हुआ ऐलान। अगले महीने होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। तेईस, 24, 25 और 30, 31 को होगी परीक्षा। नकल करने वालों के खिलाफ सख्त हुई सरकार। नकल करने और करवाने पर लगेगा अब 1 करोड़ का जुर्माना। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तारीखों का हुआ ऐलान। अगले महीने होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। तेईस, 24, 25 और 30, 31 को होगी परीक्षा। लखनऊ नखास फूल मंडी पर चला बुलडोजर। फूल मंडी को प्रशासन ने कराया खाली। बड़ी खबर लखनऊ से। फूल मंडी पर बुलडोजर चलने से किसानों में नाराजगी। सरकार ने किसानों को गोमती नगर में दी है जगह। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा इस मौके पर। यहां लखनऊ के नखास फूल मंडी पर चला है बुलडोजर। फूल मंडी को प्रशासन ने कराया खाली। फूल मंडी पर बुलडोजर चलने से किसानों में देखी गई नाराजगी। सरकार ने किसानों को गोमती नगर में दी है जगह। बड़ी संख्या में इस मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा। लखनऊ नखास फूल मंडी पर चला है बुलडोजर। फूल मंडी को प्रशासन ने पूरी तरह कराया खाली। फूल मंडी पर बुलडोजर चलने से किसानों में काफी नाराजगी देखी गई। सरकार ने किसानों को गोमती नगर में दी है जगह। बड़ी संख्या में इस मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा। बड़ी खबर लखनऊ के नखास से, जहां पर फूल मंडी को प्रशासन ने पूरी तरह खाली कराया। खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके। कलीम, नखास में फूल मंडी पर जिस तरह बुलडोजर कार्रवाई हुई है, क्या है पूरा मामला? कलीम, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? इस वक्त संपर्क टूट गया है। बता दें आपको, फूल मंडी पर बुलडोजर चलने से किसानों में नाराजगी देखी गई। बड़ी संख्या में लखनऊ के नखास फूल मंडी पर यहां बुलडोजर कार्रवाई हुई है, जिस कार्रवाई से किसान काफी नाराज दिखे। आपको बता दें, फूल मंडी को प्रशासन ने पूरी तरह से खाली करा लिया है। बुलडोजर चलने से किसानों में काफी नाराजगी देखी गई। बता दें, सरकार ने किसानों को गोमती नगर में जगह दी है। जी, संवाददाता कलीम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी, लखनऊ के नखास फूल मंडी पर बुलडोजर कार्रवाई हुई, क्या है पूरा मामला? जिस तरीके से बात की जाए, नखास का जो फूल मंडी बड़ा पुराना इलाका माना जाता है, वहां पर की जो मंडी है उसको लेकर के दूसरी तरफ शिफ्ट करने की जो कवायद थी वो काफी समय पहले से चल रही थी। और उनको अगर जगहों की बात की जाए तो उनके वो जगह जो है गोमती नगर में
साल भर पहले ही आवंटित कर दी गई थी, लेकिन जो फूल मंडी की बात की जाए, फूल मंडी वहां पर शिफ्ट नहीं हुआ था और एकाएक सभी को नोटिसें भी दी गई थी। लेकिन अब अगर वहां की बात की जाए, अभी हाल ही के दिनों में उनको नोटिसें भी दी गई, लेकिन कोई वहां पर से नहीं हटा था, जिसके बाद आज वहां पर बिल्डोजर चला है और बिल्डोजर चलने के बाद जो दुकानें थी उन दुकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखी गई है। फिलहाल जो फूल मंडी के व्यापारी थे उनमें काफी आक्रोश भी ये रहा कि आगे जो उनकी फूल मंडी है वो एकाएक शहर से एकदम दूर छोड़ी गई, यानी कि जो गोमती नगर में मंडी घोषित की गई है वहां पर, और वहां पर व्यापारी जाने को लिए जो इच्छुक नहीं थे तो उनकी भी दुकानों पर आज फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई देखी गई, उन लोगों ने इस मामले को आवाज उठाने की बात कही गई है। जी, जो जिस तरह से आपने बताया फूल मंडी के जो व्यापारी है वो कितने आक्रोशित दिखे और उनका आगे क्या कहना है? फिलहाल जिस तरीके से व्यापारियों की बात, तो व्यापारियों का कहना है कि जो मंडी है ये मंडी काफी पुरानी है और यहाँ पर जो ग्राहक उनके हैं वो पूरी तरीके से बंधे हुए हैं। लेकिन अगर जो नई मंडी की अगर बात की जाए, जो गोमती नगर स्टेशन में शिफ्ट की गई है, वहाँ पर लोगों को ज्यादा जानकारी भी नहीं है, जिसको लेकर के जो उनका जो कारोबार है वो भी कहीं ना कहीं जो घाटा हो सकता है उसको लेकर के ये लोग आवाज उठाते हुए सरकार तक भी अपनी बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जी, जिस तरह से यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है तो उसमें यहाँ पर जो मंडी व्यापारी हैं क्या वो कोई विरोध कर रहे हैं या कार्रवाई होने में रोक लगा रहे हैं? जी मोहम्मद कलीम जी से इस वक्त संपर्क टूट गया है। आपको बता दें लखनऊ के नखास इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ पर फूल मंडी को पूरी तरह से खाली कराया गया है। दिल्ली केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा बयान आया सामने, देश चाहता है बजट पर अच्छी चर्चा हो। विपक्ष ने बजट सत्र का अपमान किया, रिजिजू का बड़ा बयान आया सामने, बजट पर केवल विपक्ष ने राजनीति की। ये मानसून सत्र है और एक तरीके से ये बजट सत्र ही है, तो इस मानसून सेशन में जो बजट पेश किया गया, कल बजट का पहला दिन था चर्चा का, और कल की चर्चा में आप सब ने देखा होगा एक शानदार बजट मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक तीसरी टर्म का पहला बजट पेश होने के बाद देश ये देखना चाहते हैं कि बजट पे चर्चा अच्छी तरह से हो, सार्थक हो, ये सब चाहते हैं। कल ओपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर, खास करके कुछ दल के नेताओं ने जिस तरीके से बजट के समय में टिप्पणी की और जैसे भाषण दिया, मैं उसको सबसे पहले तो खंडन करना चाहता हूं कि बजट सेशन का गरिमा को नीचे गिरा करके इन्होंने सदन का अपमान भी किया है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि दल के लिए जो कुछ करना था चुनाव में किया है, अब देश के लिए सबको मिलकर काम करना है, दल के लिए नहीं देश के लिए, अगले 5 साल देश के लिए सबको करना है, प्रधानमंत्री जी ने अपील किया। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अब आपका सपना भी होगा साकार, प्रदेश की राजधानी में आपका भी होगा घर बार पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ। आज ही खरीदें अपने सपनों का आशियाना मल्हौल स्टेशन रोड विकल्प खंड गोमती नगर में, वो भी बिल्कुल आसान किश्तों में 50% की धनराशि देकर तुरंत कराएं रजिस्ट्री, शेष बची राशि का भुगतान 3 साल की आसान किश्तों में करें। रेसिडेंशियल से लेकर कमर्शियल तक